नमस्कार, वी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ संध्या बिस्ट। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग आजकल तनाव से भी जूझ रहे हैं, चाहे वो मानसिक तनाव हो या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो, जिसके चलते लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इन्हीं सब चीजों पर काम करती है। उनका नाम है कपिला तनेजा, जो रेकी ग्रैंड मास्टर है और साथ ही लाइफ कोच है। सबसे पहले कपिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वी न्यूज में। कपिला जी, आप अपने बारे में सबसे पहले कुछ बताइए। थैंक यू सो मच संध्या फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। मेरा नाम कपिला तनेजा है और मैं बहुत साल तक एक टीचिंग प्रोफेशन में रही हूँ, सेटल्ड हूँ गुड़गांव में। एंड बहुत सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा टीचिंग में। मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद था, उनकी एनर्जीज बड़ी मासूम और बड़ी प्यारी होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं किसी इमोशनल टर्मोइल से अपने आप को स्ट्रगल करते हुए हमेशा फेस करती थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स और ऐसे कुछ थॉट्स हैं जिनको मैं ठीक से हैंडल नहीं कर पाती। तो अपनी टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ चलते हुए ही मैंने हीलिंग मोडालिटीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू किया और वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई, जहाँ से धीरे धीरे करके मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बनी। और रेकी को साथ साथ सीखते सीखते मुझे एक बार ऐसा भी लगा, एक पॉइंट ऐसा भी आया जहाँ पर मुझे लगा कि शायद कुछ और है जो अभी सीखना बाकी है, जो बियॉन्ड है हमारे उन चीज़ों से जो हमें दिखती हैं या एहसास होती हैं। वो होते हैं आपके थॉट्स और फीलिंग्स। और वहाँ पर मैंने अपनी लाइफ कोचिंग जर्नी शुरू की और आज मैं मेरे क्लाइंट्स हैं इंडिया में और बाहर, जिनको मैं रेकी के साथ साथ अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स की अवेयरनेस की भी टिप्स देती हूँ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल कपिला जी, जैसे कि आपने रेकी के बारे में बताया, मैं और भी जानने की कोशिश करूंगी कि जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि आज के वक्त में कई लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिर रेकी क्या होता है, इसे किस तरीके से अपना सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊं रेकी के बारे में, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है हमारे शरीर में जिससे आप खुद को स्वस्थ कर सकते हो। अब जहाँ तक मैं हेल्दी होने या स्वस्थ होने की बात करती हूँ संध्या, तो वो बात है कि हमारी इमोशनल हेल्थ कैसी है, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है और हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है। इनफैक्ट आजकल डॉक्टर्स भी इस बारे में काफ़ी बात करने लगे हैं कि अगर कोई फिजिकली बीमार है तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठा है, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है, या उसकी फैमिली में, उसके रिश्तों में, उसके मनी रिलेटेड इश्यूज़ में या उसकी बीमारियों में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो और उसमें फंसता चला जा रहा है। तो जब हम स्वास्थ्य को इस तरह से होलिस्टिकली देखते हैं, हेल्थ को इन चारों तरीके से, तीनों दिशाओं से हम उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे रेकी आती है। तो जब मैं रेकी सिखाती हूँ तो वो सिर्फ आपको रिलैक्स नहीं फील कराती है। रेकी एक ऐसी टेक्निक है जिससे एक बार अगर आप अपने गुरु से दीक्षा लोगे, अट्यूनमेंट लोगे, वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी और इसके रिजल्ट इंस्टेंट होते हैं। ये आपके मन को शांत करती है, दिमाग को शांत करती है, आपकी नींद के पैटर्न को बेटर कर सकती है, एंड ऑफ कोर्स आपके खुद से रिश्तों में और दूसरों के रिश्तों में बहुत प्रभावशाली अंतर ला सकती है। और ये बहुत सिंपल टेक्निक है, एक ही दिन में सीखी जा सकती है और एक बार सीखने पर ये टेक्निक जिंदगी भर आपके साथ रहती है। बिल्कुल कपिला जी, जैसे कि आपने रेकी के बारे में बताया, आपने रेकी को अपने लाइफ में, अपने जीवन में कब अपनाया था, कब आपको लगा कि कुछ ऐसा तनाव जो आपको कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, उसके बाद आप इस तरीके का आपने कदम उठाया और आपको लगा कि मुझे ये अपनाना चाहिए, कब आपके माइंड में ये थॉट आया? यह संध्या, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि कुछ साल पहले लाइफ में हमारे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको कई बार हम फेस नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ सब डार्क हो गया है। मैंने भी अपनी लाइफ में एक ऐसा वक्त देखा, तब मुझे शायद इस वर्ड डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मैं बहुत अपने आप को किस्मत वाली मानती हूँ कि मैं एक रेकी हीलर के पास गई जो मेरी मास्टर बनी बाद में, और उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए हीलिंग दी। और तब मुझे समझ में आया कि मैं अपने इमोशंस को ठीक से हैंडल कर सकती हूँ। उस वक्त मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अपने इमोशंस को समझ नहीं पाती थी कि अगर खुशी है तो बहुत खुशी है और दुख है तो बहुत दुख है। अगर सबके साथ हो तो बहुत अच्छा फील कर रहे हो और अचानक से आपको लगेगा कि आप अकेले हो गए हो। तो इस तरह की फीलिंग्स का जब बैलेंस क्रिएट नहीं होता था, तो वहाँ पे रेकी मेरी लाइफ में एंटर हुई और वहाँ से मैंने अपनी इस हीलिंग जर्नी को शुरू किया। और जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया और इसने मुझे इतने फ़ायदे दिलवाए,
कि मैं बहुत एक साल में ही मुझे ये फर्क दिखने लग गया अपनी सोच में, अपने रिश्तों में, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अपने नजरिए में, जो मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ और लोगों को कैसे देखती हूँ। जब मैंने इस अंतर को महसूस किया तब मैंने सोचा कि मुझे इसको दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूब, जिस तरीके से आपने ये एक्सपीरियंस भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। लेकिन अब कपिला जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने अपने जीवन में रेकी को अपनाया, उसके बाद आपने इस पर काम किया, अभी जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, कई लोगों को आप टीच भी करती हैं, उन्हें काउंसलिंग भी देती हैं, तो क्या है, किस तरीके के लोग आपसे जुड़ते हैं? देखो संध्या, मैंने जैसे बताया कि रेकी आपके तीन तरह के स्टेट पे काम करती है, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल, तीनों तरह पे। अब मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो इमोशनल हीलिंग्स के भी आ सकते हैं जैसे, और मेंटल हीलिंग्स के भी आ सकते हैं, फिजिकल हीलिंग्स के लिए भी आ सकते हैं। जैसे मैं कैंसर पेशेंट्स भी देखती हूँ, मैंने एक 13 महीने की बच्चे की भी हीलिंग करी है जिसमें ऑफकोर्स उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है साथ में, उसको हीलिंग करना है। या एक कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेता है, उस तरह की हीलिंग्स के भी पेशेंट्स आते हैं। मैरिटल डिस्कॉर्ड के भी आते हैं जहाँ पे एक लेडी या एक हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी मैरिज को चलाने में, या बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या वरी है, या मनी मैटर्स को लेके बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, या रिलेशनशिप्स को लेके बहुत इशू है, पीयर प्रेशर के इशूज़ हैं, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम्स आती हैं, आर्थराइटिस के इश्यूज आते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी कोट करना चाहूँगी संध्या जी। मैं एक बहुत ही सीनियर पर्सन से मिली एंड उनसे मैंने जब डिस्कस किया कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने जब बहुत अच्छे से उनके साथ एक कॉग्निटिव सेशन लिया जिसमें वो बहुत डीपली शेयर करते हैं कि लाइफ में कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स थे जिन्होंने उनके दिमाग पे बहुत गहरी छाप छोड़ी, तो उसमें हमें पता चला कि उन्हें एक 50 ईयर्स पहला भी एक इंसिडेंस एज इट इज याद था जैसे वो कल ही हुआ हो। तो यहाँ पर मेमोरीज कितनी इंपॉर्टेंट है हीलिंग में, तो हमें उन मेमोरीज से अपने आप को छुड़वाना होता है, उन मेमोरीज को एक तरह से लेट गो करना होता है। वो मेमोरीज क्योंकि उनके साथ थी 50 सालों से, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्राणा में ऑब्स्ट्रक्शन, जो फ्लो को होता, प्राणा का जो फ्लो होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होती हैं, फंसा रही होती हैं कहीं ना कहीं। और जब हमने उसके ऊपर काम किया एंड That person इस एज में भी ही वॉज रेडी एक्चुअली, कि उन्होंने अपने आप को इस बात को माना और समझा कि उन्हें उस मेमोरी को, उस याद को, उस इमोशन को लेट गो करना है जो वो इतने साल से उस गुस्से को लेके बैठे थे। और जब उन्होंने उसको लेट गो किया विदिन 21 डेज उनको उसका रिजल्ट मिला। तो ये पॉसिबल हुआ रेकी हीलिंग से और लाइफ कोचिंग टिप से, जहाँ पर उन्होंने उस इमोशन को जाने दिया। तो इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं। लेकिन एक बात संध्या जी, मैं सबको हमेशा कहती हूँ कि मैंने आपका हाथ जरूर पकड़ा है लेकिन चलना आपको खुद को है। सो आई ऑलवेज बिलीव इन एम्पावरिंग माई क्लाइंट्स कि आपको जो सिखाया जाता है आप सीखो और फिर ये जर्नी आपकी खुद की। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से कपिला जी आपने बताया कि इंसान को खुद से ही चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन अब जो आप क्लासेस भी देती हैं, कई लोग भी आपसे जुड़ते होंगे, और जिस तरीके से रेकी ने आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया, उन लोगों की लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, कितना प्रभाव उन लोगों की लाइफ में ये डाल रहा है? देखो संध्या, मेरे हिसाब से लाइफ क्या होती है, लाइफ आपकी होती है आपके नज़रिए के हिसाब से, जैसा नज़रिया रखते हो, इंग्लिश में हम उसे परसेप्शन बोलते हैं। मैं जो काम करती हूँ, जो मैं लोगों को सिखाती हूँ, वो होता है उनका नज़रिया बदलने का। किसी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली कि ज़िंदगी में अगर शिकवे से शुक्रिया तक का सफ़र तय करोगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी। सो मैं लोगों का वो प्रस्पेक्टिव चेंज करती हूँ। अगर किसी की शादी में किसी को ये लग रहा है कि मैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत खालीपन है, ये मतलब दूसरे इंसान में हम सिर्फ शिकायतें ढूंढ पाते हैं, तो मैं उन्हें एक तरीका सिखाती हूँ, एक मौका देती हूँ एक और चांस लेने का, कि आप इस रिश्ते का देखने का नज़रिया बदल के तो देखो। अगर कोई इंसान की सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, उसे हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करने में ही अपना ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी जाती है कि मैं तो अच्छा नहीं हूँ, आई एम नेवर इनफ, मुझसे तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो मैं उस इंसान को उस तरह से स्कैफोल्डिंग देती हूँ, हाथ पकड़ती हूँ उसका, कि एक बार आप अपने अंदर और डीपली झांक के देखो और अपने आप में अच्छे पॉइंट्स को बाहर निकाल के लेके आओ। सो ये सब क्या है, ये आपके देखने का नज़रिया है। अगर कोई बीमारी के साथ मेरे पास आता है तो उस बीमारी में भी क्या आपके लिए अच्छा हुआ है,
किस तरह से आपको सपोर्ट मिला है और आप किस तरह से उसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो और उससे उनके लाइफ में बहुत बड़ा अंतर आता है। सो अगर चाहे वो एक 10 साल का बच्चा हो जिसको पीर प्रेशर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो, घर में लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर में बंद है तो पीर प्रेशर अपने पीक पे पहुंच गया, या कोई ऐसा लेडी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रही पूरे ज़िंदगी क्योंकि उसको उसके मन का करने को नहीं दिया गया तो वो एंगर होल्ड कर रही है 60-70 ईयर से कि वो जो अचीव करना चाहती थी अपने लाइफ में प्रोफेशनली वो नहीं अचीव कर पाई। मैं दोनों तरीके से दोनों एंड के एजेस को यही सिखाती हूँ कि कौन सी इमोशंस और फीलिंग्स आपको अपने पास रखने हैं और कौन से लेट गो करने हैं, और उनके बहुत सिंपल डूएबल टिप्स सिखाती हूँ उन्हें सो दैट वो आज भी कर सके, कल भी कर सके और जिंदगी में हमेशा उन टिप्स की मदद से अपनी जिंदगी को बेहतर करें। बिल्कुल कपिला जी, आपने यहाँ पे टिप्स का जिक्र किया और मैं ये भी जानना चाहूँ क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के पास काम तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उस काम से थोड़ा सा इतर उनको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकालना, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो नहीं निकाल पाते हैं लोग, जिस कारण उनके दिमाग में स्ट्रेस होना ये स्वाभाविक हो जाता है और कहीं ना कहीं बीमारियां भी इससे उत्पन्न होती हैं, उजागर होती हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से उनको टिप्स दिया जा सकता है कि वो इसे अपना सकें, और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं क्लासेस के जरिए और जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इसको कैसे अपना सकते हैं। बिल्कुल संध्या, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली, जिंदगी शिकवे से शुक्राना तक का सफर है। अब आप इसको कैसे करोगे? मैं एक बहुत सिंपल सी बात आप सब दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस अपने क्लाइंट्स को और स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। आप पूरे दिन में बहुत सारी भावनाओं से गुजरते हो, बड़े सारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको हर एक चीज़ अच्छी लगे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपको खुशी दे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ वही हो जो आप चाहते हो। तो रात को सोने से पहले अगर आप अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहते हो, आप एक अच्छी नींद लेना चाहते हो, अगले दिन सुबह उठ के अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहते हो, एक सिंपल प्रैक्टिस करिए। कोई भी पेपर और एक पेन लीजिए, ठीक है ना, उस पेपर और पेन पे उस दिन की सारी बातें स्क्रिबल करिए। जैसे एक छोटा बच्चा स्क्रिबल करता है, छोटे बच्चे की तरह जिगजैग स्क्रिबल करिए वो सारी बातें जो आपको बुरी लगी। वो छोटी से छोटी बात हो सकती है कि किसी ने आज मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मुझे बहुत बुरा लगा। वो बड़ी से बड़ी बात हो सकती है कि आज मेरा प्रमोशन ड्यू था पर मेरा लेटर नहीं आया। एक छोटी बात हो सकती है कि आज खाना अच्छा नहीं बना। एक बड़ी बात हो सकती है कि आज मेरा कोई काम बनना था और वो काम नहीं बना। कोई भी बात जो आपके मन में आती है आप उसको लिखिए, उस पूरे पेपर पे उसको स्क्रिबल करिए और उस पेपर को फाड़ के फेंकिए और बोलिए स्वाहा। आपके माइंड को एक प्रूफ मिल जाता है कि आपने उन थॉट्स को बाहर निकाला। That is very, very important. जब आप इस तरह से अपने माइंड का वो गार्बेज, वो थॉट्स, वो इमोशन जो आपने पूरे दिन में फील किए विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी या हायर वाइब्रेशन के नहीं है, आप उसको रात को ही निकाल के सोगे तो अगला दिन आपको हमेशा हल्का महसूस होगा। जिस तरह से आप अपने घर को रोज साफ करते हैं, अपने टेबल चेयर को रोज साफ करते हैं, अपनी जगहों को रोज साफ करते हैं, दिमाग भी तो आप ही का घर है, उसको रोज साफ करिए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से लोगों को काम करना चाहिए और अपने मन को शांत करना चाहिए, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या से लोग जूझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प भी मिलेगी। लेकिन अब मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो आपकी क्लासेस होती हैं रेकी और जिस तरीके से लाइफ कोच से जुड़े हुए हैं आप, कैसे लोग आपसे कनेक्ट हो सकें, किस तरीके से क्या साधन है इसका कि लोग आपसे कनेक्ट हो सके, अपनी बात आप तक शेयर कर सकें? हाँ जी संध्या, मेरा नंबर ऑफ कोर्स आपके यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, वो लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी शेयर है, दे कैन ऑलवेज शेयर देयर प्रॉब्लम, वो किस इमोशनल, मेंटल या हेल्थ प्रॉब्लम से वो लोग इस टाइम जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम को वो मेरे साथ शेयर करें और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वी कैन हैव अ फ्री सेशन फर्स्ट एंड देन ऑफ कोर्स दे कैन गो ऑन। बेसिकली मैंने जैसे पहले भी बताया, मेरा पूरा काम है वो आपका प्रस्पेक्टिव बदलने का है, दुनिया देखने का नजरिया का है, और मेरा पूरा काम इस बात पर टिका है कि आप अपने अंदर कितना बदलाव ला सकते हो। तो जो भी इंसान इस बात के लिए कमिटेड है कि वो अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, इस दुनिया को देखने का तरीका बदलना चाहते हैं और अपने आप को एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अभी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी हैं, मैं हर वीक पे वीकडेज में और वीकेंड्स में अपनी क्लासेस लेती हूँ और मेरे सारे सेशन अभी ऑनलाइन होते हैं।
सो दे कैन बुक एन अपॉइंटमेंट और हम ऑनलाइन सेशंस पे बात कर सकते। कपिला जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर चाहे हम हो या आप हो या कोई और थर्ड पर्सन हो जिसकी लाइफ में इस तरीके की समस्याएं जो आती हैं, और कहीं ना कहीं चाहे मैं हिंदुस्तान की बात करूं या पूरी दुनिया की बात करूं, लोग अक्सर कामकाज के चलते उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो उन्हें पिंच करती रहती हैं। आप जो काउंसलिंग करती हैं, जो लोगों को समझाती हैं, टिप्स देती हैं, और आपकी जो क्लासेस चलती हैं, क्योंकि एक डॉक्टर ही चीज़ों को समझ पाता है, एक काउंसलर ही उस चीज़ों को समझ पाता है जिस तरीके की समस्या से लोग परेशान हैं, जो जूझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप मुझे अपनी कोई परेशानी बताएंगे तो शायद हो सकता है कि उस परेशानी को मैं बाहरी सुन के और उस तरीके से फील ना कर पाऊँ, लेकिन आप इनको किस तरीके से फील करती हैं और कैसे उस पर काम करती हैं? सी संध्या, देखो हमारे प्रोफेशन में जिस तरह से मैं हीलिंग एक्सटेंड करती हूँ, और मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस भी होते हैं। जैसे मैंने बताया, एक 13 महीने की कैंसर पेशेंट लड़की है, सो आप सोच सकते हैं उसके पेरेंट्स का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, या कोई अगर बहुत बुरे फाइनेंशियल क्रंच में है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, या अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। लेकिन एक लाइन जो मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ कि मुझे एम्पथेटिक होना है, सिंपथेटिक नहीं होना है। बिकॉज अगर मैं भी प्रॉब्लम में ही चली जाऊंगी और मैं भी उनके इमोशंस को फील करने लग जाऊंगी तो मैं उनको किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। सो आई हैव टू कनेक्ट विद देम, मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ और उनको मदद करती हूँ करेक्ट करने में कि आप इस तरह से। लेकिन मैं हैंड होल्डिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मुझे है कि मैं आपका हाथ तब तक पकड़ के रखूंगी जब तक आप खुद चलना नहीं सीख जाओगे। और इस मामले में ऑफकोर्स हम लोगों को बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि हर किसी को उतना खुलने में और बात करने में और दूसरे को अपनी बात समझाने में वक्त लगता है। तो हम सबको उतना वक्त देते हैं, उतना वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो दिल खोल के हमसे बात कर सके। और आप बिलीव करो संध्या जी, शायद हमारे समाज में एक चीज़ हम सबको चाहिए, एक बहुत अच्छा लिसनिंग ईयर, कि कोई है जो हमारी बात सुन सकता है बिना जजमेंट के। तो मेरा जो पहला स्टेप होता है किसी भी क्लाइंट के लिए या मेरे स्टूडेंट के लिए, वो यही होता है कि मैं आपको सुन रही हूँ बिना जजमेंट के, बिकॉज आई एम नोबडी टू जज यू। मेरा कोई मतलब नहीं बनता ये बताने का कि आपकी ज़िंदगी में आप अपने साथ सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। आपकी जिंदगी है, हम सिर्फ आपको एक प्रस्पेक्टिव बताते हैं, चॉइस हमेशा आपकी रहती है। बिल्कुल, आपने कई सारी चीजें हमारे दर्शकों को बताई है, उनके साथ साझा करी है। आखिरी में जानने भी चाहूंगी कि आखिर ऐसी कौन कौन सी टिप्स हैं जो आप आखिरी में हमारे दर्शकों को देना चाहें। यस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया संध्या कि अपने दिमाग को साफ करके सोइए। आपका दिमाग बहुत बड़ा एक मैट्रिक्स क्रिएट करता है, उस मैट्रिक्स में ना हम कहीं ना कहीं उलझते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम अपना मी टाइम होता है कि हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को समझ सकें। तो अगर रात को आप सोने से पहले इस तरह की प्रोसेस करते हैं जहाँ पर आप अपने पूरे दिन की जो भी चीज़ ने आपको फ्रस्ट्रेट किया, इरिटेट किया, कोई भी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात लिख के उसको फाड़ के फेंकते हैं, तो दिमाग को एक तरह का प्रूफ मिलता है कि येस दिस इज़ आउट ऑफ माई माइंड। दूसरी बात, नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा होता है। मैं सबको बोलती हूँ, सन, एयर, मदर अर्थ, मिट्टी जो है, ये हमारे नेचुरल हीलर्स हैं जो हमको फ्री में मिले हुए हैं, हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घास पर चलिए नंगे पैर सुबह 6 बजे के करीब, आप देखिए उससे आपके दिमाग को कितना सुकून मिलता है, बिकॉज ज़मीन में अपनी एक ठंडक होती है। और कहीं ना कहीं जब हम अपने विचारों में इतना ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, अपने पास्ट में इतना ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रही होती है। आप ठंडी ज़मीन पे नंगे पैर थोड़ी देर, आधा घंटा सुबह चल के देखिए, और एक हफ्ते में ही आपको उससे फ़र्क मिलेगा। लेकिन एक बात मैं अपने दर्शकों को हमेशा बताना चाहती हूँ, आप अपने लिए कोई भी मोडालिटी अपनाओ, चाहे आप रेकी अपनाओ, चाहे आप एंजल थेरेपी अपनाओ, चाहे आप और कोई हीलिंग मोडालिटी करो, आप मेडिटेशन करो, आप लाइफ कोचिंग सीखो, हाउएवर दिस नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस। आप थोड़ा थोड़ा रोज कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे आप अपने आप को बेहतर जान सको, क्योंकि ये पूरी लड़ाई और ये पूरी कहानी अपने आप को जानने की।
बिल्कुल। तो कपिला तनेजा ये हमारे साथ थे और जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और जितने भी तनाव हैं, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसको जड़ से खत्म करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो तमाम टिप्स उनके द्वारा बताई गई हैं उन्हें फॉलो करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से जो तमाम खबरें हैं उसके लिए देखते रहिए वी न्यूज़।